क्या आपके मन में भी सवाल है कि पोस्टमार्टम क्या है, ये रात में क्यों नहीं किया जाता है और क्या सच में लाशें चीखती हैं? चलिए ये सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। पोस्टमार्टम को शव विच्छेदन क्रिया कहते हैं, जो उसी व्यक्ति का होता है जिसके मामले में पुलिस केस होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट के मामले, किसी को जलाने की कोशिश, आत्महत्या, हत्या, लावारिस लाश, इन मामलों में पोस्टमार्टम किया जाता है। इसके अलावा विवाद के मामले में भी पोस्टमार्टम होता है, जिसमें परिवार की ओर से इच्छा जाहिर की जाती है। पोस्टमार्टम की अनुमति सिर्फ और सिर्फ राजकीय डॉक्टर यानी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को ही होती है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, उन्हें विशेष हाईफाई या विवादित मामलों में ही कमेटी बनाकर पोस्टमार्टम की टीम में शामिल किया जाता है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम में फार्मासिस्ट, डॉक्टर और वार्ड बॉय होता है। डॉक्टर सिर्फ नोटिंग करते हैं, परिस्थिति देखते हैं और वो ज्यादातर मामले में चीरफाड़ नहीं करते। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के कुछ अंग जैसे सिर, पेट, फेफड़े को देखा जाता है और इन्हीं में कुछ चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं। जहर के मामलों में विसरा सुरक्षित रखा जाता है। हत्या के मामलों में बॉडी को पूरी तरह से चेक किया जाता है, निशान देखे जाते हैं और मौत का कारण पता किया जाता है। डॉक्टर बनने के 5 साल बाद ही आप पोस्टमार्टम के लिए वैध होते हैं और 50 या 55 साल के बाद सरकार डॉक्टर से पोस्टमार्टम नहीं कराती। इस बार यूपी में पोस्टमार्टम को लेकर काफी बवाल मचा था, क्योंकि 50 उम्र बाद वाले डॉक्टर को भी पोस्टमार्टम करने के लिए सरकार ने कहा था। पोस्टमार्टम एक कानूनी प्रक्रिया होती है, इसलिए डॉक्टर इसके पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। पोस्टमार्टम करने के बाद अगर कोई कानूनी मामला होता है तो डॉक्टर को गवाही देने के लिए कोर्ट भी बुलाया जाता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अब अंतिम में आपको बता दूं कि रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रात में पोस्टमार्टम नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन विशेष मामलों में। आम दिनों में सूरज ढलने के बाद पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं है। इसके कानूनी कारण है, जैसे बिजली की समस्या और शरीर में निशान सही न दिखना। इसके अलावा पोस्टमार्टम के ठीक बाद लाश का अंतिम संस्कार करते हैं, उनके परिजनों को सौंप देते हैं, क्योंकि चीर फाड़ के बाद लाश को रख पाना मुश्किल होता है, इसलिए भी सामान्य मामलों में नहीं करते। कई पोस्टमार्टम हाउस में तो फ्रीज भी नहीं होता। रात में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ जिला अधिकारी ही अनुमति दे सकता है। उसकी अनुमति से ही डॉक्टर रात में पोस्टमार्टम करने आ सकते हैं। जिलाधिकारी एक पत्र पर हस्ताक्षर करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजते हैं, जो डॉक्टर को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। ऐसे पोस्टमार्टम किसी भी सिफारिश से हो जाता है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लाशें रात में चीखती नहीं है। लेकिन आपको पोस्टमार्टम हाउस में तैनात चौकीदार जरूर डरावना लग सकता है, क्योंकि अधिकतर चौकीदार बिना नशा किए ड्यूटी नहीं दे पाते और इनको वहाँ किसी भी काम के लिए बख्शीश देनी पड़ती है, इसमें पुलिस भी उसे नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।